नमस्कार दोस्तों, इन दिनों उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती परीक्षा की चर्चा हर जुबान पर है। आखिर यह परीक्षा इतनी चर्चा का विषय क्यों बन रही है और ऐसे कौन से तथ्य हैं जो यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की पारदर्शिता पर सवालिया निशान लगा रहे हैं, उसे परखना जरूरी है। और इसलिए जरूरी है क्योंकि यह तस्वीर बताती है कि यूपी में सरकारी नौकरी पाने से पहले होने वाली परीक्षाओं का स्तर किस हद तक गर्त में जा रहा है। या तो परीक्षाएं हो ही नहीं रही है, या परीक्षा की तारीख आने के बाद परीक्षा स्थगित हो जा रही है, या परीक्षा हो भी रही है तो फर्जीवाड़े की भेंट चढ़ जा रही है। तो आइए समझते हैं क्या है यूपीएसआई स्कैम। किसी प्रक्रिया में धांधली या अपराध पकड़ने का काम पुलिस का होता है, लेकिन हमारे देश में अगर पुलिस भर्ती में ही धांधली का इल्ज़ाम लगे और छात्रों के पास आंदोलन के सिवा कोई दूसरा चारा ना हो तो हम क्या कहें। हम 2021 में आई यूपी पुलिस दरोगा भर्ती के बारे में बात कर रहे हैं। कैसे माने का अन्याय नहीं होगा भाई? जाहिर सी बात है, जब आप ये सिद्ध हो गया कि इस परीक्षा में धांधली हुई है, जो कि वो खुद मान लिए, वो खुद कह रहे हैं कि हाँ इस परीक्षा में धांधली हुई है। अगर धांधली हुई है तो पूरी जांच परीक्षा की क्यों नहीं हो रही है? अब एक हम लोगों के पास ऐसे साक्ष्य भी हैं जो ये साबित कर देंगे कि भर्ती बोर्ड ने धांधली कराई है, और बाकी और मंत्रिमंडल के भी बहुत सारे अधिकारी जो हैं, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं कहीं ना कहीं। तो ये चीज हम लोग की दवाई जा रही है, कोई भी संज्ञान में लेने को तैयार नहीं है। अधिकार क्या है, हमने कौन सा क्राइम किया, हमें ये तो बताइए किस क्राइम के तहत हमें कंफर्म हमें पकड़ा जा रहा है। अभी हमें जाके एक ओपन जेल में डाल दिया जाएगा। बीते 21 अप्रैल से विभिन्न जिलों से आए कई छात्र छात्राएं इको गार्डन में लगभग 80 दिनों तक धरने पर बैठे रहे थे। ये छात्र थे जिन्होंने 21 नवंबर 2021 से 2 दिसंबर 2021 के बीच हुए यूपीएसआई के एग्जाम में हिस्सा लिया था और एग्जाम पास भी किया, लेकिन फिर भी छात्रों को अपना घर और दूसरी परीक्षाओं की पढ़ाई छोड़कर खुले आसमान के नीचे भीषण गर्मी और बरसात को झेलते हुए धरने पर बैठना पड़ा था, क्योंकि ये दरोगा भर्ती परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े के खिलाफ आवाज उठाकर यह बताना चाहते थे कि किस कदर ऐसे छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो अपने घर परिवार से दूर ईमानदारी से रात दिन एक करके मेहनत कर रहे हैं। और ये तमाम वे बच्चे हैं जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास परिवार से आते हैं, जिनके लिए घर से दूर रहकर पढ़ाई करने का मतलब है प्रतिदिन एक बड़ी आर्थिक और मानसिक चुनौती से जूझना। दरअसल पूरा मामला कुछ ये है कि मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी पुलिस दरोगा भर्ती का ऐलान किया। इसके बाद 1 अप्रैल 2021 से 15 जून 2021 तक 12 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे। कुल 9,534 पदों पर भर्ती होनी थी। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों से 400-400 रुपये और SC/ST के महिला उम्मीदवारों से 200 रुपये फॉर्म फीस के रूप में लिया गया। मार्च में ऐलान होने के बाद अप्रैल 2021 में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ और सितंबर में कोरोना के चलते परीक्षा की तारीख बदल दी गई। इसके बाद 12 नवंबर से 2 दिसंबर तक परीक्षा ऑनलाइन मोड में संपन्न हुई। कुल 54 शिफ्ट हुए, जिसमें 7,61,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। जनवरी 2022 को आचार संहिता लागू हो गई, इसलिए यह तो तय हो गया कि परिणाम नई सरकार बनने के बाद ही आएंगे। प्रदेश सरकार ने परीक्षा कराने की जिम्मेदारी एक ऐसी एजेंसी NSEIT को दे दी जो पहले से ही 6 राज्यों में प्रतिबंधित थी, और जबकि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने धांधली के एक मामले में इस एजेंसी पर 3.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। अब छात्रों को योगी सरकार से यह सवाल है कि जब यह एजेंसी 6 राज्यों में ब्लैक लिस्टेड थी और इसमें जुर्माना भी लग चुका है, तो आखिर इसे परीक्षा कराने की जिम्मेदारी किस आधार पर दी गई, जबकि यह एजेंसी हर स्तर पर भ्रष्टाचार में लिप्त है। 14 अप्रैल 2022 को मेरिट जारी कर दी गई। इस मेरिट लिस्ट में कुल 36,170 सफल अभ्यर्थियों के नाम थे, लेकिन जब अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया तो परीक्षा के दौरान बड़े पैमाने पर धांधली का भंडाफोड़ हुआ और तस्वीर सामने आई कि कई छात्र ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले 1 घंटा तो कुछ नहीं किया और बाद में मात्र 9 से 10 मिनट में 160 में से 150 या 158 क्वेश्चन तक हल कर दिए, जबकि कुछ छात्र ऐसे थे जिन्होंने 2 घंटे का पेपर जादुई तरीके से महज 3 मिनट में हल कर दिया। जब ऐसे अभ्यर्थियों को पकड़ा गया और जांच हुई तो पता चला कि इनका कंप्यूटर बाहर से मैनेज किया जा रहा था। जैसे जैसे अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट के लिए आते गए, वैसे वैसे परीक्षा में हुए बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा होता गया। 15 मई को खुलासा होता है कि देहरादून और ग्वालियर की कंपनियों ने 10-10 लाख रुपए में परीक्षा पास
कराने की गारंटी ली थी और कुछ लड़कों को पास करवाया भी। उस कंपनी ने एक आईटी कंपनी की मदद ली और परीक्षा केंद्र प्रबंधकों से मिलकर कंप्यूटर ही हैक करवा लिया। धरने पर बैठे कुछ छात्रों का कहना था कि 14 नवंबर को लखनऊ के जानकीपुरम में कॉस्मो फाउंडेशन परीक्षा केंद्र पर 4 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जो सेंटर के बाहर बैठकर अंदर बैठे अभ्यर्थियों को ब्लूटूथ के जरिए सही जवाब बता रहे थे। तो परीक्षा के दौरान ऐसे साइबर एक्सपर्ट भी पकड़े आए थे जो परीक्षा केंद्र के मास्टर कंप्यूटर को हैक कर लेते थे और रिमोट के जरिए एक्सेस करते थे। इन लोगों ने परीक्षा पास करवाने के लिए 8 से 10 लाख रुपए लिए थे। इस परीक्षा में सॉल्वर गैंग भी पकड़े गए जो दूसरी जगह परीक्षा दे रहे। 31 मई को लखनऊ के SP प्राची सिंह ने इसी परीक्षा में धांधली करने वाले 16 और लोगों को लखनऊ से गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड द्वारा सीधी भर्ती उप निरीक्षक नागरिक पुलिस की परीक्षा हुई थी पिछले साल, जो कि 12 नवंबर 2021 से 2 दिसंबर 2021 तक चली थी। इसका जब एनालिसिस किया गया एग्जाम का, तो इसमें 6 लोगों के नाम आए हैं जिन्होंने इलीगल और अनफेयर मींस का यूज किया इस परीक्षा में, और उन 6 लोगों को महानगर थाने में दाखिल किया गया है। उनका मुकदमा दर्ज किया गया है, मुकदमा संख्या है 112/22। इसमें धाराएं 420, 120B IPC और सेक्शन 10 उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम लगा हुआ है। इसमें जो 6 लोग हैं उनके नाम हैं रजत कुमार उम्र 25 वर्ष मैनपुरी, पिंकू कुमार उम्र 25 वर्ष शामली, प्रतीक चौधरी उम्र 28 वर्ष बुलंदशहर, दीपक उम्र 28 वर्ष जो कि हरियाणा के हैं, हरीम चौधरी मुजफ्फरनगर 26 वर्ष, आशुतोष शर्मा शामली 24 वर्ष। अग्रिमविधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की जांच के आधार पर अब तक कुल 129 अभ्यर्थी गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। वहीं 2 लड़के अर्जुन प्रसाद और शिवपाल नाम के 2 ऐसे थे जिन्हें जेल में रहते हुए भी दरोगा भर्ती परीक्षा को पास कर लिया और उनका फाइनल लिस्ट में नाम आ गया। फिलहाल मुख्य अतिरिक्त न्यायाधीश रवि कुमार गुप्ता ने साल 2021 में आयोजित दरोगा भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियों के आरोपों को लेकर रिपोर्ट दर्ज करने वाली अर्जी को सही मानते हुए इसे सुनवाई के लिए दर्ज कर लिया है और वहीं लखनऊ और इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी इस भर्ती पर सुनवाई हो रही है। पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने कोर्ट में अर्जी देकर बताया कि इस परीक्षा के अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए सबूतों से भर्ती में भारी गड़बड़ी की आशंका है। वहीं भर्ती ने इस दौरान STF ने भी कई FIR दर्ज की थी। गोरखपुर में दर्ज 2 FIR में परीक्षा कराने वाली एजेंसी का नाम लिया गया है और इस एजेंसी के कई राज्यों के ब्लैकलिस्टेड होने के बावजूद यहाँ उसे काम दिया गया। इससे मामला गंभीर जान पड़ता है। इतना ही नहीं, PET में बहुत कम नंबर पाने वाले अभ्यर्थियों को दरोगा भर्ती परीक्षा में भारी नंबर मिले हैं। इससे परीक्षा की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।